इंडिया के लेफ्ट में है ताज होटल। तो गाइस आज मैं आपको करवाने वाला हूँ मुंबई दर्शन, लेकिन स्पेशल बात यह है कि मेरे नाना और नानी साहब भी मेरे साथ आने वाले। तो जो लोग यहाँ पे नए रहते हैं इस ब्लॉग को पूरा देखना, जिससे आपको पता चलेगा कि मुंबई में कौन सी अच्छी अच्छी प्लेसेस है घूमने को और मुंबई कैसा है। बहुत ही मजा आने वाला है आपको। और हाँ, स्किप मत करना, ये वीडियो बहुत स्पेशल है। तो चलो चलते हैं, अभी नीचे मेरे पापा मेरा वेट कर रहे हैं, कार में बैठ के हम चलेंगे मुंबई दर्शन करने। हम लोग रास्ते में आ चुके हैं, हम सब कार में बैठे हुए हैं। यहाँ पे मम्मा, यहाँ पे नानी सा और आगे है नाना और पापा। तो अभी बस हमें थोड़ी सी देर और लगेगी और हम पहुँच जाएंगे हमारी पहली डेस्टिनेशन जो है गेटवे ऑफ इंडिया। तो ये देखिए, यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू आता है मुंबई का और ये हम लोग देख सकते हैं वर्ली बांद्रा सीलिंग से जब आप जाते हैं। तो आप कभी भी जाएं तो एक बार देखिएगा बाहर कि कितना अच्छा व्यू आता है। आगे भी देखिए कितने बड़े बड़े पोल्स हैं। हमारे पास भी ऐसा होता, हम भी उसको गाड़ी में बिठा लेते, पर मेरी मम्मी लाने ही नहीं देती। मेरे पापा भी यहाँ कह देते हैं, लेकिन ये अंग्रेजों की बसाई हुई बिल्डिंग है, देखिए आप। गेटवे ऑफ इंडिया पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं। और अब हम जा रहे हैं गेट के पास, तो लेट्स गो। और मुझे तो यहाँ पे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं और बहुत सब लोग खुश है, एंजॉय कर रहे हैं अपना, हम भी एंजॉय कर रहे हैं। तो गाइस जब भी मैं बहुत ज्यादा छोटा था तभी मैं यहाँ पे आया था, लेकिन अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और अभी मैं वापस यहाँ पे आ चुका हूँ। और अब मेरे को सब समझ आ रहा है, मतलब मेरे को सब अच्छे से दिख रहा है, सब समझ आ रहा है। जब मैं छोटा था तब मेरे को इतना पता नहीं था कि ये क्या है, कैसे है यहाँ। तो यहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया के लेफ्ट में है ताज होटल, आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं। और गेटवे ऑफ इंडिया के राइट में है रास्ता एलिफेंटा केव्स के लिए जाने का। यहाँ से सारे लोग जो जा रहे हैं, ये कुछ लोग तो एलिफेंटा केव्स ही जा रहे हैं। यहाँ पे फोटोज भी क्लिक करवा ली है इन अंकल से और अब हम हार्ड कॉपीज और सॉफ्ट कॉपीज ले रहे हैं इनसे। और फिर अब हम लोग चलने वाले हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे, जो मैं आपको बताऊंगा 2 मिनट बाद। मैं तो पहली बार देख रहा हूँ ऐसा कुछ। अगर आप लाइव प्रिंटिंग पहली बार देख रहा हूँ वैसा। हाँ करेक्ट, मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ लाइव प्रिंटिंग। आपने अगर अपनी लाइफ में किया हो तो कमेंट में करके बताना। ये पिक्स तो बहुत अच्छी ली है मैंने। क्या शानदार प्रिंट है, वाओ, क्या सही प्रिंट और क्या सही पिक्चर है। आपकी फोटो आ गई। दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। मैं तो मेरा छाता लेके आया हूँ, 600 छाता, लेकिन मेरे फैमिली में और कोई नहीं लेके आया, इसलिए मैं बस बिना भीगे जा रहा हूँ। बाकी सब भीग जा रहे हैं, जो मम्मा वीडियो बना रही है वो भी भीग जा रही है। जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। कहीं बिल्डिंग कहीं ट्रामे कहीं मोटर कहीं मिल मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल। कहीं बिल्डिंग कहीं ट्रामे कहीं मोटर कहीं मिल मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल। मुझे लग चुकी है भूख और हम जा रहे हैं पिज्जा बाय द वे। हम लोग आ चुके हैं मरीन ड्राइव और मेरे पेट में कीड़े घूम रहे थे, तो मैंने सोचा चलो कहीं खाना खाने चलते हैं। तो मेरे को याद आया कि हाँ, यहाँ पे सबसे बेस्ट शॉप है पिज्ज़ा बाय द वे। तो मैं अभी पिज्ज़ा बाय द वे में आ चुका हूँ और मैंने मेरा पिज्ज़ा ऑर्डर कर लिया। अब बस जल्दी जल्दी आ जाए, मुझे तो बहुत भूख लगी है। और अब हम मरीन ड्राइव पे आके यहाँ पे सब व्यू का मजा ले रहे हैं और बस थोड़ी देर रिलैक्स कर रहे हैं, उसके बाद हम जाएंगे अपनी नेक्स्ट लोकेशन बैक स्टार। मैंने समंदर से सीखा है जीने का तरीका, चुपचाप से रहना और अपनी मौज में रहना। मुझे भी ले लो, मैं भी चल लूंगा। कहाँ
की आइसक्रीम पापा ने बोला है कि बहुत ही ज्यादा फेमस है। कौन सा है? बारिश के अंदर आइसक्रीम खाने का अपना अलग मजा है और ये वाली तो बहुत ही अच्छी है। वो अब मैं खा रहा हूँ चॉकलेट रोस्टेड आमंड क्रंच और पहले मैं खा रहा था केसर पिस्ता। बस मैं खाने के लिए आया हूँ। तो गाइस अभी हम गए थे बैंड स्टैंड और एक्चुअली बैंड स्टैंड इस वक्त बंद है क्योंकि वहाँ पे कुछ काम चल रहा है और वो 7 to 8 months तक नहीं खुलेगा अभी। ये देखिए शाहरुख खान का घर। तो अब मैं नाना को नाना की मन्नत दिखाने लाया हूँ, मतलब शाहरुख खान का घर। लोग तो ऐसे आ गए जैसे कि शाहरुख खान खुद ही मिलने वाले हैं। हम तो बस जा रहे थे तो मैंने सोचा नाना को भी दिखा देते हैं। बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी इसलिए हम फटाफट निकल लिए और मैंने यहाँ पे ली फिल्म। तो गाइज ये है गैलेक्सी अपार्टमेंट, सुपरस्टार सलमान खान का घर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं जुहू बीच। यहाँ पे हो रही है बारिश लेकिन अभी भी यहाँ पे सब लोग शिद्दत से गणपति बापा का विसर्जन कर रहे हैं। बारिश बहुत ज्यादा तेज हो गई थी तो हम वहाँ से निकल गए। दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, यह बॉम्बे मेरी जान।